तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना शानदार गवार सेम्बी की सब्जी बनकर रेडी हो गया है। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा लाइट गड़बड़ है तो आप लोग को सही से नहीं दिखेगा, लेकिन सब्जी बहुत अच्छी बनी है और बहुत टेस्टी बनी है। आई होप आप लोगों को पसंद आए, तो लाइक शेयर और हेलो सब्सक्राइब जरूर फ्रेंड्स, कर दीजिए। नमस्कार, जोहार, प्रणाम सभी लोगों को। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ रहेंगे। और मैं सुकांति, सुकांति किचन में आप लोग को हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। और बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ आप लोगों से। और ये देखिए, मैं और एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। और बिना स्किप करे देखें वीडियो को, बहुत अच्छी रेसिपी बनाकर दिखाऊंगी आज, जो जो कि घर में सभी के घर में तो बनता है, लेकिन जो मैं आज बनाने जा रही हूँ और आई होप आप लोगों को सबको पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ और उसको बनाने के लिए किन किन जरूर किन किन चीज़ों लिया है वो सारे चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को तो दिखाती फ्रेंड्स, हूँ। यहाँ पर मैं सब्जी बनाने के लिए ले लिया है गवार की सब्जी, और आज मैं गवार सेम्बी की सब्जी बनाकर दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये है आधा किलो गवार सेम्बी, और मैं थोड़ी सी लहसुन कटी हुई फ्रिज में पड़ा था तो दो तीन दाने से ज्यादा है ये, इसको ये ले लिया है मैंने। और साथ में 1.5 प्याज और 2 टमाटर ले लिया है। इसके साथ आप अदरक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अदरक नहीं डालूंगी। और इतनी चीज़ों में आप लोगों को बहुत शानदार सब्जी, गावर सभी की सब्जी बनाकर दिखाऊंगी। तो कंटिन्यू रेसिपी में बने रहें। सो फ्रेंड्स, पहले मैं गावर सभी को मैं साफ कर लेती हूँ, और साफ करके मैं इसको काट कर ले लूँगी। तो पहले मैं काट लेती हूँ और साफ भी कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी। मैं एक गवार सेमी को आपको दिखा देती हूँ कैसे काटना है। ये देखिए, ये बहुत नरम वाला है, ठीक ठाक है, ज्यादा बुढ़ा भी नहीं हुआ है, मतलब कड़क नहीं है। तो फ्रेंड्स, गवार सेमी को पहले ऐसे साफ कर लेंगे, जो आग दोनों तरफ से ऐसे इसका डंठल को निकालना है, और इसका जो नस होता है उसको भी ऐसे चाकू से, जो जो थोड़ा सा कड़क है उसको ऐसे करके निकालना होता है, लेकिन ये एकदम नरम वाला है तो इसमें नस नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब भी गवार सेम्बी लें तो ध्यान से लें कि ज़्यादा कड़क भी ना हो, कड़क का मतलब थोड़ा बुढ़ा टाइप का हो जाता है ना, तो उसमें नस बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसको छुड़ाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये देखिए, मैं इस तरह करके ले लूँगी सारे गवार सेमी को, और उसके बाद दो हिस्सों से ऐसे, कोई कोई लंबे लंबे है उसको इस तरह के काटना है। और मैं तो एक साथ मैं काटती हूँ। ये देखिए, इस तरह के काट कर ले लीजिएगा, मैं दिखाऊंगी अभी, कंटिन्यू बने रहें। उस सबसे पहले मैं गवार सेमी को अच्छे से साफ कर लेती हूँ, उसके बाद काट कर दिखाऊंगी। यहाँ पर फ्रेंड्स, सारे गवार सेमी को मैं साफ करके ले लिया है। अभी इसको मैं कैसे कटिंग करूंगी वो आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो ऐसे कटिंग करेंगे तो आप लोग जल्दी से सारे सब्जी को काट कर रेडी कर पाएंगे। तो सब्जी काटने का आइडिया भी दे रही हूँ, सारे ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को एक साथ ऐसे करके, बीन्स हो, और लौकी अगर को भी एक साथ ऐसे काट सकते हैं छीलकर। ये देखिए, इस तरह का काट कर ले लीजिए, एक ही बार में हो गया ना, इतना सारा काट सकते हैं आप, जितना ले सकते हैं, जितना लेकर काट सकते हैं उतना ले लीजिए। मैं अपने हिसाब से काट रही हूँ, ये देखिए, सारे देख लीजिए। साफ करने में थोड़ा सा टाइम लगा, काटने में लेट नहीं लगेगा इसको। तो इसी तरह सारे गवार सेमी को काट कर ले लेनी है, ले लेना है। और अब इसको हम इसी प्लेट में निकाल देंगे इस तरह। देखा फ्रेंड्स, कितना अच्छे से कट रहा है, और बाकी को भी काट लेती हूँ। यहाँ पर मेरा सब्जी कट चुका है, अभी इसको धो लेंगे। ऐसे सब्जी आता है तो मैं धो लेती हूँ, लेकिन इसको नहीं धोया था, क्योंकि धो कर रखेंगे ना फ्रिज में
तो गवार सैंबर जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए मैं धोया नहीं इसको और ऐसे फ्रिज में रख दिया था। ये देखिए इस तरह का कटा है, तो मैं इसमें अभी ऐसे करके ले लेती हूँ और इसी में धो लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने गवार सैंबर को धो लिया है अच्छे से। और अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ और नमक थोड़ा सा, इसको अच्छे से मिला देंगे। कंटिन्यू देखते रहिए मैं क्या कैसे करती हूँ। अब हम गवार सैंबर को थोड़ी देर उबलने देंगे अच्छे से। गवार सैंबर को इसलिए उबाल रही हूँ, उबाल कर बनाओगे ना तो अच्छे से सब्जी बनता है, अंदर से पक जाता है। गवार सैंबर बहुत कड़क होता है तो इसीलिए। आप लोग ऐसे भी तेल में आलू भुजा बनाते हैं, ऐसे बना सकते हैं, लेकिन इसका जो कड़वापन होता है उसको निकाल देंगे तो और थोड़ा टेस्ट लगता है। कोई किसी किसी को कड़वापन इसका पसंद नहीं आता है और मुझे भी नहीं आता है, इसलिए मैं इसको पहले उबाल लेती हूँ और इसका जो पानी है उसको निकाल देंगे, उसके बाद हम लोग सब्जी बनाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, जब तक मतलब गवार सैंबर उबलता है तब तक हम प्याज को भी काट लेते हैं, बाकी चीज़ों का भी हम तैयारी करके रखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का प्याज मैं काट कर ले लूँगी, आप लोग अपने हिसाब से काट लीजिए। और मैं ये दो टमाटर भी काट लेती हूँ। चाकू मेरा बहुत गड़बड़ है, दूसरा चाकू ले लेती हूँ। सारे चाकू खराब लग रहा है मुझे तो। आप मैं छोटे छोटे पीस में टमाटर इसलिए नहीं काट रही हूँ, छोटे छोटे पीस में काटोगे ना तो टमाटर ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग बनाएंगे कोई भी सब्जी में डालोगे तो देखना छोटे छोटे पीस छोटे छोटे पीस में डालते हैं ना तो थोड़ा पकने में टाइम लगाता है, और थोड़ा ऐसे लंबे लंबे पीसेस में करोगे तो वो पकने में टाइम नहीं लगाता है टमाटर। तो इसी तरह से आप लोग भी काट लीजिए। और जब भी देखिए बड़ा साइज का टमाटर काट कर लेंगे ना वो जल्दी पक जाता है, और एकदम छोटे छोटे बारीक बारीक काटोगे वो जल्दी पकता नहीं है, मेरे दिमाग में चलता है इसे। आप लोग क्या क्या मेरे सोच के साथ एग्री करते हो नहीं करते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मेरा प्याज और टमाटर कट चुका है, और जो लहसुन है ना चार दिन हो गया छील कर रखा हुआ था, कट करके मछली बना था घर पे भैया दीदी ने। क्योंकि इसको अब हम फ्रिज में तो रख देते हैं, लगता है कि साफ है लेकिन साफ नहीं होता है दोस्तों, अलग ऊपर से जो होता है ना वो चिपचिप सी आ जाती है, तो इसको हम धो लेंगे। अभी खराब नहीं हुआ है इसलिए ले रही हूँ, खराब होता तो मैं फेंक देती। लहसुन हो अदरक हो फ्रिज में आपको छील कर रखना है हफ्ते भर के लिए 15 दिन के लिए, तो बिना धो छील कर बिना धुले फ्रिज में रखें, तो धो कर रखेंगे तो पानी पड़ जाने से एकदम चिपचिपी से हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, हम इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं। लहसुन को भी मैंने धोकर ले लिया है, और ये जो प्याज है इसको एक प्लेट में और टमाटर को एक प्लेट में रख दिया। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक एक चीज आप लोगों को सारे चीजों में काट कर दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि कितना मतलब मेहनत लगता है और कितना तैयारी करना पड़ता है एक चीज करने के लिए। आप लोग मतलब स्किप कर देते हैं वीडियो को और पूरा वॉच नहीं करते हैं ब्लॉग को। आज के रेसिपी में यही मैसेज है मेरे लिए कि बहुत लोग मेहनत करते हैं, और अच्छा लगे या ना लगे आप लोगों का सपोर्ट करना बनता है। और मैं काफी लोगों को देखती हूँ मेरे को हेल्प मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरे वीडियो को वॉच नहीं करते हैं, लेकिन मैं आप लोग जितना भी मैं रेसिपी देखती हूँ या ब्लॉग देखती हूँ सबका ब्लॉग को मैं फुल वॉच करती हूँ। और मेरे मोबाइल 3 घंटा 4 घंटा ऐसे ऑन रहता है और मैं देखती रहती हूँ, और जितना मैं लाइक शेयर कर सकती हूँ करती हूँ और सब्सक्राइब भी कर देती हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसे होता नहीं है। मेरे रेसिपी को नहीं देखते हैं, इसी चैनल में मेरा ब्लॉग भी आता था, ब्लॉग भी नहीं देखते थे, तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ। मुझे नहीं पता कि आगे बढ़ पाऊँगी नहीं बढ़ पाऊँगी, लेकिन मैं दिल से आप लोगों का ब्लॉग देखती हूँ, रेसिपी देखती हूँ और सपोर्ट करती हूँ आप लोगों को, और मेरे को देखते नहीं है और कॉमेंट भी नहीं करते। और मेरे ब्लॉग मेरे रेसिपी हो या ब्लॉग को पूरा स्किप कर देते हैं, ऐसे मत क्या करें, बहुत मेहनत लगता है और सभी लोग मेहनत करते हैं, मैं सिर्फ नहीं सभी लोग मेहनत करते हैं।
और मैं इसी मेहनत का इज्जत करती हूँ और सबका मान सम्मान करती हूँ और सभी का ब्लॉग को मैं पूरा वॉच करती हूँ और जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं देखती हूँ। भले मैं लाइक नहीं कर सकती हूँ, कमेंट भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों का ब्लॉग देखती रहती हूँ पूरा समय। तो कम से कम वीडियो को पूरा वॉच तो कर दीजिए, ताकि वॉच करने से उसका जो रैंक होता है वीडियो का वो बढ़ता है, और आप लोग बीच में ही स्किप कर देंगे तो कोई फायदा नहीं है ना। वो बड़े हो, बड़े यूट्यूबर हो या छोटे यूट्यूबर, सब लोग कुछ करने के लिए आए हैं। ऐसे नहीं है कि मतलब कोई करने नहीं आते, मतलब बिना ऐसे टाइम पास करने तो नहीं आए। और इस काम में कितना मेहनत है जो कर रहा है उन्हीं लोगों को पता होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, गवार से जो गवार से अभी उबलने के लिए रख दिया था वो उबल चुका है, इसको मैं छान लेती हूँ, फिर फटाफट सब्जी बना लेते हैं, बहुत देर हो रहा है। भैया लंच कभी भी मांग सकते हैं मेरे को। तो चलिए फ्रेंड्स मैं चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए उबल चुका है और अच्छे से फूल भी चुका है, तो अभी हम इसको छान देंगे। देखिए इस तरह की कर लीजिए, इस तरह के मैं छान कर ले लिया है। अभी चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, छोटा सा कढ़ाई गरम करने के लिए रख दिया है और गैस भी ऑन कर दिया है। कढ़ाई को गरम होने देते हैं और अभी कढ़ाई गरम होने देते हैं फ्रेंड्स। कंटिन्यू रेसिपी में ब्लॉग में बने रहें फ्रेंड्स। यहाँ पर कढ़ाई गरम हो चुका है और मैं अभी यहाँ पर सरसों तेल ऐड कर रही हूँ, क्यों तेल को गरम होने देते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद इसमें मसाला डालेंगे जो भी करेंगे दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए फ्रेंड्स कंटिन्यू रेसिपी में बने रहें, तेल को गरम होने देते हैं। यहाँ पर तेल गरम हो चुका है फ्रेंड्स और तेल थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मैं इसको निकाल लेती हूँ थोड़ा। अब हम जीरा ऐड करेंगे। जीरा चटक गया है फ्रेंड्स, जीरा को अच्छे से चटकने के बाद लहसुन ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर अदरक भी आप ऐड कर सकते हैं, आप लोगों को अदरक पसंद है तो। मैं अदरक नहीं डाल रही हूँ। लहसुन को ब्राउन होने देंगे और सरसों तेल का छौंक जो होता है बहुत ही अच्छा खुशबू आता है और शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, और जिसका शरीर ठंडा पड़ता है मतलब ठंडी से परेशानी हो तो सरसों तेल में खाना बनाकर खाइए, और रात के समय सोते समय पैरों के नीचे अच्छे से लगाकर सोएं, जुराब पहनकर, बहुत मदद देता है, मदद करता है, हेल्प करता है दर्द को कम होने में। और यहाँ पर मैं प्याज कटी हुई उसको ऐड कर दिया। लहसुन ब्राउन होने के बाद मैंने प्याज को ऐड किया है। अब हम गवार सेमी को ऐड करेंगे प्याज के साथ ही, इसको भी प्याज के साथ ही भूनेंगे थोड़ा सा। गवार सेमी अच्छे से पका नहीं है, ये हल्का कच्चा है और इसी तरह हल्का कच्चा उबाल कर लीजिएगा। अभी तो ये पकेगा, अभी गैस में हाई फ्लेम में रखी हूँ, अभी मैं इसको एकदम लो फ्लेम में रखूँगी। और अभी मैं इसमें नमक ऐड करूँगी स्वाद अनुसार। पहले मैंने नमक में ये उबाला है नमक हल्दी से, तो नमक उसी हिसाब से डालना है, ज़्यादा ना डालें। आधी टी स्पून हल्दी हम अच्छे से मिला देंगे इसको, अच्छे से मिल गया फ्रेंड्स। अभी इसको हम ढक देंगे, इसको हम 6 से 7 मिनट तक ढक ढक कर पकाएंगे। बीच बीच में मैं चेक करते रहूँगी गवार सेमी को। और चलिए आप लोग कंटिन्यू बने रहें। यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स, और एक बार इसको मिला दिया था, चेक कर लिया था इसको। तो ये देखिए सब्जी मेरा जो गवार सेम है, गवार सेम भी अच्छा से पकने लगा है। तो अभी हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड कर दिया है, अभी इसको सब्जी को अच्छे तरह से टमाटर के ऊपर कवर कर देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। इसको अब और थोड़ी देर के लिए ढक कर रखेंगे,
दो तीन मिनट तो लग ही जाएगा टमाटर पकने के लिए। सो फ्रेंड्स, चेक करते हैं टमाटर पका कि नहीं, गला कि नहीं। ये देखिए टमाटर गल रहा है और थोड़ा सा गलना बाकी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना टमाटर डालते ही कितना सुंदर लग रहा है हमें, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सब्जी देखने में। और यहाँ पर हम थोड़ा सा मसाला कुछ डालेंगे, ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे। मैं उनके लिए बना रही हूँ जो ज़्यादा मसाला खाते हैं और उनको परेशानी होती है, मसाला से परेशानी होती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर देखिए, मैं बहुत कम मसाला में बना रही हूँ गवार सेमी की सब्ज़ी और आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। यहाँ पर एक टी स्पून से थोड़ा सा कम है कश्मीरी देगी लाल मिर्च डाली हूँ यहाँ पर, और थोड़ा सा मसाला किंग मसाला डाला है मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर आप लोग जीरा मसाला भी भुना हुआ जो सब्जी के लिए भून कर रखते हैं वो वाला डाल सकते हैं, और साथ में अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर मैं टमाटर के साथ बनाई हूँ, तो अभी इसको और दो तीन सेकंड के लिए और ढकूँगी ताकि मसाला सारे सब्जी में अच्छे से मिल जाए। दो तीन सेकंड के लिए ढक दिया मैंने और गैस एकदम धीमा आंच में है। यहाँ पर मैं चेक कर लेती हूँ सब्जी को, दो तीन सेकंड हो गया है और ये देखिए सब्जी का कलर अपने आप आने लगा है, बहुत ही खूबसूरत। और टमाटर भी अच्छे से गल चुका है, देखिए फ्रेंड्स लग रहा है ना सब्जी कितना खूबसूरत। और थोड़ा सा नमक टेस्ट करेंगे, मेरा सब्जी जो है बनकर रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। मुझे गवार सेमी बहुत पसंद है, किसको किसको गवार सेमी पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ, बहुत अच्छी सब्जी बनी है और नमक भी एकदम परफेक्ट नमक डाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स गैस बंद कर देती हूँ, सब्जी बनकर रेडी हो गया है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए कितना सुंदर गवार सेमी की सब्जी बनकर रेडी हो गया है। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा लाइट गड़बड़ है तो आप लोग को सही से नहीं दिखेगा, लेकिन सब्जी बहुत अच्छी बनी है और बहुत टेस्टी बनी है। आई होप आप लोगों को पसंद आए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बाउल ले लिया है और मैं सब्जी को निकाल देती हूँ एक बाउल में। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया बना है सब्जी। अरे सब्जी को निकाल देते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का गवार सेमी आप लोगों को कैसा लगा, आज का गवार सेमी का रेसिपी कैसा लगा? आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए फिर रखती हूँ अभी और एक न्यू रेसिपी में मिलती